नमस्कार साथियों, आज हम जयपुर जोधपुर अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा जो 28 अगस्त 2018 को प्रथम पारी में जो तकनीकी सहायक भर्ती परीक्षा आयोजित की थी उसका जो पेपर है वो हल करेंगे। इस पेपर के कुछ प्रश्न पूर्व वीडियो में हल किए, शेष जो प्रश्न है वो हम आज हल करेंगे। आज का अपना प्रश्न है, डायनमोमीटर गतिमान कुंडली उपकरण में विक्षेपण टॉर्क होता है, यानी डायनमो मापी प्रकार का जो यंत्र है इसके अंदर गतिमान कुंडली उपकरण में यानी विक्षेपण टॉर्क जो होता है, यानी जो डायनमो मापी प्रकार का जो यंत्र है इसके अंदर विक्षेपण टॉर्क क्या होता है, वो होता है कि कुंडली में जो धारा प्रवाहित होती है उसके वर्ग के अनुपातिक होता है, क्योंकि इसके अंदर एक तो प्रेशर कॉइल और एक करंट कॉइल दोनों होती है। डायनमो प्रकार के वाट चाहे वाट मीटर हो चाहे यानी वोल्ट मीटर है तो भी दो प्रकार की कुंडली होती है, एक तो स्थिर होती है एक वेरिएबल होती है। एमीटर तो भी दो होती है, एक तो फिक्स कॉइल और एक वेरिएबल यानी गतिशील कॉइल, और वाट मीटर तो भी दो कॉइल होती है डायनमो मापी प्रकार के यंत्र में। तो इसमें जो भी विक्षेपण बल होगा वो इस कुंडली में से प्रवाहित धारा के वर्ग के समानुपाती होगा, यानी इन कुंडली में से धारा प्रवाह के वर्ग के अनुपातिक इसका विक्षेपण बल उत्पन्न होगा। जो अनुपैमाना होगा वो भी इसी प्रकार से वर्धित पैमाना फिर होगा इसका। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखो कुंडली के धारा के व्युत्क्रमानुपाती नहीं, कुंडली के धारा के अनुक्रमानुपाती नहीं, कुंडली में धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती सही है, कुंडली में धारा के वर्ग मूल के अनुक्रमानुपाती नहीं, शून्य ये भी नहीं। तो राइट आंसर क्या हो गया, सी कुंडली में धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। अगला क्वेश्चन है, फिलामेंट लैंप किस किस सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी जो तप्त दीप्ति लैंप है फिलामेंट लैंप है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो वह गर्म होकर प्रकाश उत्सर्जित करता है तो पर यानी विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव या तापन प्रभाव पर वह काम करता है। तो देखो ऑप्शन ए तापन प्रभाव से, बी रासायनिक प्रभाव नहीं, चुंबकीय प्रभाव नहीं, स्थिर विद्युत प्रभाव नहीं, विद्युत गतिक प्रभाव नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तापन प्रभाव पर कार्य करता है, यानी ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, केल्विन डबल ब्रिज किसके मापन के लिए सर्वाधिक प्रयोग होता है, यानी जो केल्विन डबल ब्रिज है वो क्या मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो ये प्रतिरोध मापने के लिए प्रयोग करते हैं। अब कौन सा प्रतिरोध, अब देखो ऑप्शन देखो एक बार, प्रेरक तो है नहीं, धारिता नहीं, कम प्रतिरोध, उच्च प्रतिरोध और प्रतिबाधा, तो ये कम प्रतिरोध मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी कम मान का जो प्रतिरोध होता है उसको मापने के लिए केल्विन डबल ब्रिज का प्रयोग किया जाता है, तो सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, क्लिप ऑन प्रकार मीटर भी कहलाता है, यानी क्लिप ऑन प्रकार का जो मीटर है वो क्या कहलाता है, ऑप्शन देखो टोंक मेगर, एनर्जी मीटर, टेकोमीटर, टोंक टेस्टर और वोल्ट मीटर। तो क्लिप ऑन प्रकार का जो मीटर है वो टोंक टेस्टर भी कहलाता है, यानी हम टोंक टेस्टर भी कहते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी टोंक टेस्टर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा गतिमान आयरन उपकरणों की विशेषता नहीं है, यानी जो गतिमान आयरन यानी चल लोहा प्रकार के उपकरण की विशेषता नहीं है, ऑप्शन देखो यानी इसकी विशेषता इनमें से कौन सी नहीं है। ऑप्शन है इसका विक्षेपण धारा के वर्ग के समानुपाती होता है, ये तो सही है, यानी गतिमान आयरन प्रकार के यंत्र है उसका विक्षेपण धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। दूसरा देखो, इसका पैमाना एक समान नहीं होता है, पैमाना एक समान नहीं होता, प्रारंभिक में सघन बाद में विरल या वर्धित होता है। ये एसी और डीसी दोनों के मापन हेतु प्रयुक्त होता है, यानी इसके द्वारा हम एसी और डीसी दोनों का मापन कर सकते हैं, ये भी सही है, एसी और डीसी दोनों का मापन कर सकते हैं। इसे एमीटर की भांति उपयोग किया जा सकता है, सही है, इसे एमीटर की भांति भी प्रयोग कर सकते हैं, इसे वोल्ट मीटर की भांति भी प्रयोग कर सकते हैं, इसमें से कोई नहीं, तो फिर जो दे रखे वो सभी सही है, इसकी विशेषता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ई इनमें से कोई नहीं, तो ई ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, गैल्वेनोमीटर जो इसमें आवेश प्रवाह मात्रा की गणना करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है वह गैल्वेनोमीटर कौन सा होता है, यानी आवेश प्रवाह की मात्रा की गणना करने के लिए जो गैल्वेनोमीटर प्रयोग किया जाता है वो बाई बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर कहलाता है। तो देखो किसमें है, बी ऑप्शन में देखो बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर, तो राइट आंसर हो गया बी बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर। अगला क्वेश्चन है, विक्षेपण द्वारा मीटर की शुद्धता निर्धारित की जाती है, यानी किसके किस विक्षेपण द्वारा मीटर की शुद्धता की निर्धारित की जाती है, तो पूर्ण स्केल विक्षेपण द्वारा मीटर की शुद्धता
जांच की जाती है तो देखो किसमें है, ए ऑप्शन देखो सही है, पूर्ण स्केल यानी पूर्ण स्केल विक्षेपण द्वारा मीटर की शुद्धता का निर्धारण किया जाता है। तो जो भी मीटर की हम जो शुद्धता मापते हैं तो पूर्ण स्केल पे माने पर मापते हैं, तो पूर्ण राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए पूर्ण स्केल पर। अगला क्वेश्चन है, प्रेरण मोटर की क्रॉलिंग किसके कारण होती है, यानी क्रॉलिंग क्या होता है कि मोटर के अंदर क्रॉलिंग और कॉकिंग दो होते हैं। तो पहले क्रॉलिंग, क्रॉलिंग क्या होता है कि कोई भी प्रेरण गिलहरी पिंजर प्रेरण मोटर की है वो तुल्यकालिक गति से कम गति पर चलती है, तो इसकी जो परिणामी गति होती है वो तुल्यकालिक गति की 1/7वीं दर पर होती है। तो इस 1/7वीं दर पर चलने की प्रवृत्ति क्रॉलिंग कहलाती है, और यह जो क्रॉलिंग है मोटर में विकसित अनुकंपा या हार्मोनिक्स है, यानी मोटर में उत्पन्न हार्मोनिक्स है ये। तो इसमें यही पूछा है कि प्रेरण मोटर की कॉलिंग के कारण होती है, यानी मोटर में उत्पन्न होने वाली जो हार्मोनिक्स है इसके कारण ये 1/7वीं दर पर चलने की प्रवृत्ति होती है। तो ऑप्शन देखो किसमें है, स्टेट लेमिनेशन में अनुचित डिजाइन नहीं, उच्च भार नहीं, मोटर के में उत्पन्न हार्मोनिक्स सही है, यानी सी ऑप्शन इसका सही होगा। तो राइट आंसर हो गया सी, मोटर में उत्पन्न हार्मोनिक्स है। एक मोटर में कॉकिंग और होता है, यानी क्रॉलिंग और कॉकिंग। कॉकिंग क्या होता है कि जो इसके स्लॉट होते हैं वो यानी तिरछाकरण किया जाता है और रूट संख्या में होते हैं जिसे हम कॉकिंग कहते हैं। अब अगला प्रश्न देखो क्या है, निम्न में से कौन सा परीक्षण डीसी शंट मोटर का रनिंग डाउन परीक्षण भी कहलाता है। रनिंग डाउन परीक्षण क्या होता है, रनिंग डाउन परीक्षण को मंदता परीक्षण भी कहते हैं, यानी रिटार्डेशन परीक्षण भी कहते हैं, और इस परीक्षण के द्वारा जो स्थिर हानि जिसे हम फुटफुट हानि भी कहते हैं, कौन सी, यांत्रिक हानि और लौह हानि, ये ज्ञात करने के लिए रनिंग डाउन या रिटार्डेशन परीक्षण किया जाता है। तो इसमें पूछा है कि रनिंग डाउन परीक्षण का अन्य नाम क्या है, तो रनिंग डाउन परीक्षण का अन्य नाम है रिटार्डेशन यानी मंदता परीक्षण कह सकते हैं, या रिटार्डेशन परीक्षण भी कहते हैं। तो राइट आंसर हो गया, हो जाएगा ए रिटार्डेशन परीक्षण है। अगला क्वेश्चन है, ब्लॉक्ड रोटर परीक्षण में शिल्प किसके बराबर होती है, यानी रुका हुआ रोटर परीक्षण में एस का मान क्या होता है। कई बार इससे संबंधित और भी सवाल आते हैं, देखो कौन कौन से आते हैं। एक तो होता है रुका हुआ रोटर के अंदर, यानी रुका हुआ हुआ रोटर, यदि रोटर को रोक देते हैं ब्लॉक कर देते हैं तो इसकी एफ आर क्या होगी, एफ आर यानी रोटर फ्रीक्वेंसी आपूर्ति फ्रीक्वेंसी के बराबर होगी। कई बार पूछ लेते हैं कि रुके हुए रोटर में एफ आर का यानी रोटर फ्रीक्वेंसी क्या होगी, आपूर्ति फ्रीक्वेंसी के बराबर। एस क्या होगी, एस प्रतिशत में, एस यदि प्रतिशत में पूछ ले तो जो शिल्प होगी वो 100% होगी। यदि अंश में पूछे तो अंश में क्या होगी, इकाई होगी, यानी इकाई कह सकते हैं या एक कह सकते हैं। अंश में पूछ ले तो प्रतिशत में पूछ ले तो शिल्प होगी 100%, एफ आर पूछ ले तो एफ आर बराबर होगी एफ। किस समय रुका हुआ रोटर है तो, या स्टार्टिंग के समय भी कह सकते हैं, स्टार्टिंग स्टार्टिंग के समय भी यही कंडीशन होती है कि एफ आर बराबर एफ होती है, ऐसे 100% होती है, या अंश में गए तो एक होती है। और यदि तुल्यकालिक गति पर चल रहा है रोटर, तुल्यकालिक तुल्यकालिक गति पर क्या होता है, एफ आर बराबर क्या हो जाएगा, यानी रोटर जो फ्रीक्वेंसी होती है वो शून्य हो जाएगी, यानी शून्य हर्ट्ज कह सकते हैं या शून्य, और एस प्रतिशत में है तो भी शून्य हो जाएगा, और एस इकाई में है तो भी शून्य हो जाएगा, यानी 0% या शून्य। यदि तुल्यकालिक गति पर चल रहा है तो जो शिल्प है वो 0 हो जाएगी, परसेंट में कहे तो भी 0, और एफ आर बराबर हो जाएगी 0 हर्ट्ज। जबकि रुका हुआ रोटर या स्टार्टिंग है तो इस समय एफ आर बराबर एफ होगा, एस 100% होगा या इकाई हम कह सकते हैं। तो इसमें यही पूछा है कि ब्लॉक्ड रोटर यानी रुका हुआ रोटर में शिल्प का मान क्या होता है, तो शिल्प का मान अंश में पूछा है तो एक हो जाएगा, तो राइट आंसर हो गया एक, यानी किसमें, डी ऑप्शन में है, तो राइट आंसर हो गया डी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्टार डेल्टा स्टार्टर का भाग है, यानी स्टार डेल्टा स्टार्टर का इनमें से कौन सा भाग है, कॉन्टेक्टर, कॉन्टेक्टर स्टार डेल्टा स्टार्टर में होते हैं सही है, टाइमर, जो ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर होते हैं इसमें टाइमर स्विच होता है तो ये भी सही है, इंटरलॉक स्विच, जो मैनुअल स्टार डेल्टा स्टार्टर होते हैं इसमें इंटरलॉक स्विच होता है, थर्मल ओवरलोड रिले ये भी स्टार डेल्टा स्टार्टर में होता है,
ये सभी यानी उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये सभी जो दिए हुए हैं वो सभी सही है। तो राइट आंसर हो गया उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, डीसी मोटर द्वारा उत्पन्न यांत्रिक शक्ति अधिकतम होती है जब, यानी डीसी मोटर में उत्पन्न यांत्रिक शक्ति कब होती है, जब जो मोटर है इसके अंदर जो बैग ईएमएफ है वो लगाए गए विद्युत वाहक बल का 1/2 हो जाए। यानी हम कह सकते हैं कि ईबी बराबर 1/2 × V, यानी लगाए गए वोल्ट का आधा ईबी हो जाए। मान लो हम इसको 200 वोल्ट लगा रहे हैं तो इसके अंदर ईबी 100 वोल्ट हो जाए, यानी 100 वोल्ट ईबी विकसित है, तो इस समय इसका जो यांत्रिक शक्ति वो अधिकतम होती है। कई बार इस प्रकार से ईबी बराबर ये भी दे देते हैं, या इस प्रकार से भी 0.5 × V भी कह सकते हैं, या कई बार विपरीत भी दे देते हैं कि V बराबर क्या होगा, तो V बराबर 2 × EB होगा। इस समय अधिकतम शक्ति हो जाती है, यानी ईबी का दोगु ईबी को 2 गुने करें तो V के बराबर हो जाए, या V को आधा करें तो EB के बराबर हो जाए, तो यांत्रिक शक्ति अधिकतम होती है। तो किस ऑप्शन में देखो, ऑप्शन देखो, बैग ईएमएफ प्रयुक्त वोल्टता के बराबर है, नहीं, बैग ईएमएफ प्रयुक्त वोल्टता की आधा है, सही है, बैग ईएमएफ शून्य के बराबर है, ये भी नहीं, बैग ईएमएफ प्रयुक्त वोल्टता का 1/4, ये भी नहीं, बैग ईएमएफ प्रयुक्त वोल्टता के वर्ग के बराबर है, ये भी नहीं। तो राइट आंसर क्या हो गया, बी, यानी बैग ईएमएफ प्रयुक्त वोल्टता का आधा है, तो यांत्रिक शक्ति अधिकतम होती है। अगला क्वेश्चन है, मोटर में प्लिंगिंग का कार्य क्या, मोटर प्रेरण मोटर में ब्लिंगिंग को कार्यरत किया जाता है जबकि, ब्लिंगिंग क्या होता है कि मोटर की गति को यानी घुमाव की डायरेक्शन को परिवर्तित करने वाला परिपथ। तो ये क्या करता है कि किन्हीं दो कलाओं को अंतः परिवर्तित करके, 3 फेज मोटर है तो दो कलाओं को अंतः परिवर्तित करने वाला एक परिपथ होता है, जो मोटर को विपरीत यानी सीधी और विपरीत दिशा में प्रचलित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी सामान्य अवस्था में सीधी चल जाती है और विपरीत यानी कनेक्शन परिवर्तित होने पर विपरीत दिशा में प्रचलित हो जाती है, तो इसे हम प्लिंगिंग परिपथ कहते हैं। अब ऑप्शन देखो, किसी भी दो स्टेटर फेज की सप्लाई टर्मिनल को आदान प्रदान किया जाता है, यानी अदलो आपस में एक्सचेंज किया जाता है, सही है, दो स्टेटर टर्मिनल को एक साथ छोटा कर दिया जाता है, नहीं, किसी भी दो स्टेटर टर्मिनल को डीसी स्रोत से जोड़ा जाता है, नहीं, किसी भी दो स्टेटर टर्मिनल को अर्थिंग किया जाता है, भी नहीं, या तो बी या सी। तो राइट आंसर क्या हो गया, ए, किसी भी दो स्टेटर यानी किसी भी दो स्टेटर फेज को सप्लाई टर्मिनल को आदान प्रदान करने वाला परिपथ प्लिंगिंग परिपथ कहलाता है, सही है, तो ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, यदि एक 4 पोल 3 फेज 50 हर्ट्ज स्टार में जुड़ी इंडक्शन मोटर में 5% पूर्ण भार स्लिप है तो मोटर की पूर्ण भार गति क्या होगी। क्या कह रहा है कि मोटर की पूर्ण भार पर गति क्या होगी। अब क्या दे रखा है, पोलों की संख्या है 4, यानी पोल कितने हैं, पोल्स बराबर है 4, 3 फेज, एफ बराबर है 50 हर्ट्ज, एफ बराबर है 50 हर्ट्ज, मोटर एस है 5%, एस बराबर है 5%, तो मोटर की पूर्ण भार गति यानी एन आर बराबर क्या होगा, ज्ञात कीजिए। तो देखो एन आर ज्ञात करने से पहले यानी एस दे रखी है, एफ दे रखी है, एन आर एन एस ज्ञात करनी पड़ेगी हमें, तो सिंक्रोनस गति एन एस बराबर क्या हो जाएगा, यानी देखो सूत्र क्या है, अपना सूत्र क्या है, एफ बराबर होता है पी एन 120, तो इसी को पक्षांतर करके हम एन एस ज्ञात कर सकते हैं, तो एन एस बराबर क्या हो जाएगा, एफ इंटू 120/P, तो एन एस सिंक्रोनस गति बराबर क्या हो जाएगी, एफ इंटू 120/P, एफ का मान कितना है 50, 120 पोल कितने हैं 4, कितना हो जाएगा 3 × 1500 RPM, तो 1500 RPM। तो पहले एन एस ज्ञात कर लिया हमने, कितना हो रहा है 1500 RPM। अब ज्ञात कर लेते हैं एन आर, तो एस ज्ञात करने का सूत्र क्या है, यानी एस प्रतिशत में, एस प्रतिशत में बराबर क्या होता है, एन एस माइनस एन आर बट्टा एन एस इंटू 100। अब देखो एस दे रखा है कितना 5%, यहाँ 100 रख दिया तो यहाँ 5 डायरेक्ट रखेंगे, 5 बराबर एन एस कितना है 1500 माइनस एन आर बट्टा एन एस कितना है 1500
इंटू सौ, ये गुणा में इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 5/100 बराबर, ये 1500 भाग में इधर आएगा तो गुणे में आ जाएगा, इंटू 1500 बराबर क्या हो जाएगा 1500 माइनस एन आर। जीरो से जीरो, जीरो से जीरो, 15 को 5 से गुणा किया कितना हो रहा है 75 बराबर हो जाएगा 1500 माइनस एन आर। पक्षांतर कर लो, एन आर पर माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो एन आर बराबर 1500 माइनस ये इधर प्लस है, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 75 यानी 1500 ये प्लस का है तो इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, कितना हो गया 1500 में से 75 लेस कर दो कितना हो रहा है 1425 आरपीएम। तो इसकी तुल्यकालिक जो रोटर गति होगी वो क्या हो जाएगी 1425 आरपीएम, यानी सी ऑप्शन इसका सही होगा 1425 आरपीएम। तो राइट आंसर हो गया सी 1425। अगला क्वेश्चन है, थ्री फेज प्रेरण मोटर में उत्पादित टॉर्क है, यानी क्या है थ्री फेज प्रेरण मोटर में उत्पादित टॉर्क क्या है। ऑप्शन देखो, स्टैंड स्टील पर मोटर को प्रेरित ईएमएफ के वर्ग के सीधे अनुपात में, सही है, यानी जो थ्री फेज प्रेरण मोटर में जो टॉर्क उत्पादित होता है वो स्टैंड स्टील पर रोटर में प्रेरित ईएमएफ के वर्ग के सीधे समानुपाती होता है, तो राइट आंसर हो गया ए। बाकी और ऑप्शन क्या है, स्टैंड स्टील पर रोटर में प्रेरित ईएमएफ के सीधे अनुपात में नहीं, स्टैंड स्टील पर रोटर में प्रेरित ईएमएफ के वर्ग के विपरीत अनुपात में ये भी नहीं, स्टैंड स्टील पर रोटर में प्रेरित ईएमएफ के विपरीत अनुपात में ये भी नहीं, स्टैंड स्टील पर रोटर में प्रेरित ईएमएफ के वर्ग मूल के विपरीत अनुपात में ये भी नहीं, तो राइट आंसर क्या हो गया ए, स्टैंड स्टील पर रोटर में प्रेरित ईएमएफ के वर्ग के सीधे अनुपात में प्रेरण मोटर में टॉर्क उत्पादित होता है, तो ये ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, स्क्वायरल केज प्रेरण मोटर के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कौन सा गलत है। ऑप्शन देखो, रोटर के स्लॉट समांतर होते हैं, नहीं होते हैं, यानी तिरछे होते हैं, रोटर के स्लॉट समांतर नहीं होते, तिरछे होते हैं, ये गलत है। अगला देखो, रोटर को अंत में स्थायी रूप से छोटा कर दिया जाता है, ये सही है। रोटर प्रतिरोध स्टार्टर का उपयोग नहीं किया जाता, कौन सा स्क्वायरल केज है तो स्क्वायरल केज में नहीं किया जाता है, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में किया जाता है, ये भी नहीं, रोटर प्रतिरोध स्टार्टर का उपयोग नहीं किया जाता है, यानी ये सही हो गया, नहीं किया जाता है, क्योंकि स्क्वायरल स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में किया जाता है, स्क्वायरल केज में नहीं किया जाता है, सही है। बाहरी प्रतिरोध जोड़ने की कोई संभावना नहीं होती, ये भी सही है, क्योंकि स्क्वायरल केज में नहीं होती है, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में तो होती है, इनमें से कोई नहीं, तो राइट आंसर क्या हो गया ए, रोटर के स्लॉट समांतर होते हैं, ये गलत है। अगला क्वेश्चन है, डीप बार इंडक्शन मोटर में स्किन प्रभाव अधिकतम होता है जब, यानी जो डीप केज इंडक्शन मोटर होती है, यानी जो केज वाइंडिंग होती है वो आंतरिक स्लॉटों में होती है, इसमें जो सतह प्रभाव होता है वो कब अधिकतम होता है। ऑप्शन देखो, जब रोटर स्टैंड स्टील पर होता है, सही है, बी में क्या दे रहा है, अधिकतम गति पर चलता है, नहीं बिना बार पर चलता है, नहीं पूर्ण बार पर चलता है, नहीं आधे बार पर चलता है, ये भी नहीं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी जब रोटर है वो स्टैंड स्टील पर चलता है तो डीप केज जो वाइंडिंग है इसमें सतह प्रभाव अधिकतम होता है, ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रेरण मोटर के स्टेटर फ्रेम में सिलिकॉन स्टील के टुकड़े आमतौर पर कितनी मोटाई के होते हैं, यानी जो प्रेरण मोटर है इसके अंदर स्टेटर में जो सिलिकॉन स्टील की पटलित पत्तियां होती है इनकी जो मोटाई है वो क्या होती है, वो होती है 0.5 mm की, तो इनकी मोटाई क्या होती है 0.5 mm, किसमें ए ऑप्शन में देखो तो राइट आंसर हो गया ए 0.5 mm। अगला क्वेश्चन है, यदि डीसी मोटर का घुमावदार क्षेत्र उल्टा होता है तो मोटर, यानी डीसी मोटर का घुमावदार क्षेत्र यानी फील्ड वाइंडिंग के संयोजन अंत परिवर्तित कर दे तो क्या होगा, तो मोटर विपरीत दिशा में चलने लग जाएगी, यानी डीसी मोटर की घुमाव की डायरेक्शन चेंज करने की दो विधियां हैं, या तो फील्ड के संयोजन अंत परिवर्तित कर दो या आर्मेचर में धारा प्रवाह की दिशा को विपरीत कर दो, तो इसमें यही कह रहा है कि क्षेत्र के संयोजन विपरीत कर रहे हैं तो धारा यानी फील्ड फ्लक्स का मान विपरीत हो जाएगा, फलस्वरूप मोटर विपरीत दिशा में प्रचलित हो जाएगी, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा विपरीत दिशा में चलने लग जाएगी, किस ऑप्शन में देखो सी ऑप्शन में देखो, विपरीत दिशा में चलता है तो मोटर विपरीत दिशा में चलती है, सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, सिंक्रोनाइजेशन चलने वाली पावर सिस्टम वाले अल्टरनेटर के निम्न में से किस पैरामीटर से मेल खाने की प्रक्रिया, यानी सिंक्रोनाइज
सिंक्रोनाइजेशन करते समय क्या होना आवश्यक है? वोल्टेज समान होना चाहिए, सही आवृत्ति समान होनी चाहिए, सही कलाकोण समान होना चाहिए, कलाक्रम समान होना चाहिए, ये सभी यानी उपरोक्त जो सभी है वो समान होंगे तो हम उसको सिंक्रोनाइज कर सकते हैं, यानी दो प्रत्यावर्तक को समांतर क्रम में प्रचलित कर सकते हैं। तो राइट आंसर क्या हो गया? उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, 72 क्वाइल वाले डीसी मशीन के लिए कम्यूटेटर सेगमेंट की संख्या कितनी होगी? यानी एक कोई डीसी मशीन है जिसमें क्वाइलों की संख्या 72 है, तो 72 क्वाइलों के संयोजन कितने हो जाएंगे? 72 इंटू 2 144 हो जाएंगे। अब 144 संयोजनों को कितने सेगमेंट पर संयोजित करेंगे? एक सेगमेंट पर दो संयोजन, यानी कम्यूटेटर सेगमेंट है या अधिक प्रवर्तक है, इस पर दो संयोजन जुड़ते हैं, तो 144 संयोजनों को यानी जोड़ने के लिए कितने सेगमेंट हो जाएंगे? यानी एक पर दो है तो 144 के लिए कितने हो जाएंगे? 72 सेगमेंट हो जाएंगे। सेगमेंट्स की संख्या कितनी हो जाएगी? 72। किसमें? सी ऑप्शन में देखो, 72। तो राइट आंसर हो गया सी, 72। अगला क्वेश्चन है, यदि डीसी शंट जनरेटर 9 एम्पेयर पर 1.8 किलोवाट का भार प्रदान करता है और शंट करंट 1 एम्पेयर है, तो आर्मेचर करंट होगा। क्या कह रहा है? कोई शंट जनरेटर है, संट जनित्र है, यह है संट आर्मेचर और यह है फील्ड वाइंडिंग, यह क्या कह रहा है कि यहाँ कोई भार जुड़ा हुआ है 1.8 किलोवाट और इसमें से प्रवाहित धारा है 9 एम्पियर, यानी यहां से जो मान लो प्रवाहित धारा है वो है 9 एम्पियर, संट करंट 1 एम्पियर है, इधर से प्रवाहित होने वाली धारा है 1 एम्पियर, तो ये धारा क्या होगी? आईए बराबर क्या होगी? तो शंट जनरेटर में आईए बराबर होगा आई एल प्लस आई एस एच। आई एल का मान कितना है? 9 एम्पियर। शंट फील्ड करंट का मान क्या है? एक तो कितना हो जाएगा? 10 एम्पियर। तो इसमें से प्रवाहित धारा का मान क्या हो जाएगा? 10 एम्पियर। तो राइट आंसर क्या हो गया? 10 एम्पियर। किसमें है? डी ऑप्शन में देखो, 10 एम्पियर। तो राइट आंसर हो गया डी, 10 एम्पियर। अगला क्वेश्चन है, गतिशील रूप से प्रेरित ईएमएफ के सिद्धांत का उपयोग किसमें होता है? यानी गतिज रूप से प्रेरित विद्युत वाहक बल का सिद्धांत इनमें से किसमें होता है? ट्रांसफार्मर नहीं, ट्रांसफार्मर में स्थितिज होता है। जनरेटर सही है, टोक ये भी स्थितिज, थर्मोकपल ये नहीं, और ट्रांजिस्टर भी नहीं। तो राइट आंसर क्या हो गया? बी, जनरेटर के अंदर गतिज रूप से प्रेरित विद्युत वाहक बल का सिद्धांत प्रयोग होता है, तो बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, ड्रम प्रकार के डीसी आर्मेचर वाइंडिंग में क्वाइल साइड के संदर्भ में बैक पिच और फ्रंट पिच की संख्या क्या होनी चाहिए? यानी बैक पिच और फ्रंट पिच, चाहे लेफ वाइंडिंग है चाहे वेव वाइंडिंग है, दोनों में ही बैक पिच और फ्रंट पिच का मान विषम संख्या में होना आवश्यक है, तो दोनों ही विषम संख्या में होना चाहिए, यानी बैक पिच है उसका मान भी विषम संख्या में होना चाहिए और फ्रंट पिच है उसका मान भी विषम संख्या में होना चाहिए। ऑप्शन देखो, सम और विषम नहीं, विषम और सम नहीं, दोनों विषम सही है, दोनों सम नहीं, या तो ए या बी। तो राइट आंसर क्या हो गया? सी, दोनों विषम संख्या में होना आवश्यक है, सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, डीसी मशीन के आर्मेचर यानी एमएमएफ का वेव फॉर्म के रूप में अनुमानित किया जाता है। डीसी मशीन में आर्मेचर में जो एमएमएफ मैग्नेटिक मोटिव फोर्स है, इसकी जो वेव फॉर्म होती है वो ट्राइंगुलर यानी त्रिकोणीय प्रकार की होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? त्रिकोणीय प्रकार की, यानी सी ऑप्शन इसका सही होगा कि डीसी मशीन में आर्मेचर में एमएमएफ की वेव फॉर्म ट्राइंगुलर प्रकार की यानी त्रिकोणीय प्रकार की होती है। तो राइट आंसर क्या हो गया? सी, त्रिकोणीय। तो ये कुछ इस पेपर से संबंधित प्रश्न थे, शेष जो प्रश्न है वो आगामी वीडियो में रहेगा। ठीक है साथियों।